Hi everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. So, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था एंड बहुत सारे कॉमेंट्स मेरे को आए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन हो गया होता तो मैंने सबसे पहले ही अपलोड कर दिया होता वहाँ पर, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज मैंने उसमें नेम चेक किया, ना मेरा नेम था ना ही मेरा रोल नंबर था. और इस हिसाब से मुझे लगता है कि कट ऑफ ऑलमोस्ट 70 से अप है बिकॉज मेरा नंबर अराउंड 70 हो रहा था, तो मुझे लग रहा है कि 70 से कट ऑफ कम है. एनसी सेट हो गया था शायद, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कोचिंग से ही मैच की है तो वो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा और तभी सब कुछ क्लियर होगा कि कैसा क्या है. और ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएगा जब लास्ट में इंटरव्यू के बाद, तब मार्क्स भी पता चलेगा कि कितना मार्क्स बन रहा है या फिर क्या कट ऑफ है. सो अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट रिजल्ट भी हमारे हाथ में नहीं था. एज़ यूजुअल मैं जैसा सारे वीडियो में अपना, मतलब सब कुछ होने पे अपना एक रिस्पांस देती हूँ, वैसे प्रीलिम्स का पेपर जैसे ही देके मैं आई थी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए. मुझे पता चल गया था, इवन मैंने मैक्सिमम रिस्क लिया था, मैंने 93 क्वेश्चन किया था, बट स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड ये पेपर बहुत ज़्यादा लक बेस्ड भी था बिकॉज देयर वर, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट ऐसे थे कि जो बहुत लकी होंगे उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है. इसी वजह से शायद मैंने भी इतना बड़ा रिस्क लिया था बिकॉज मेरे खुद के ऐसे बहुत तीन चार मैंने खुद से देखा है कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन सही हुए हैं जिसको मेरे को गलत आंसर आता था, बट ओनली टू मैंने लगा दिया था तो वो सही हो गया था. तो इस हिसाब से पेपर काफ़ी लक बेस्ड था और पता नहीं कैसा पेपर था, मतलब पेपर कितना टफ था अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा. सो देयर आर सम पीपल लाइक, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बट देयर आर सम पीपल लाइक देवर लाइक वेरी सपोर्टिंग और उसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ. बट जहाँ पे अच्छी कमेंट्स देख के खुशी मिलती है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि अगर बुरे कमेंट्स या फिर निगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मेरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, या डेफिनेटली करता है, बट स्टिल कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी. जो भी ये निगेटिव कमेंट्स करते हैं या फिर जो बहुत फन बनाते हैं कि जो ये ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं स्टडी ब्लॉग बनाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो फलाना फलाना फलाना, दे मतलब आई डोंट नो कि वो कैसे लोग होते हैं और उनकी क्या माइंड सेट होती है. मतलब यू नो ब्लॉग बनाना कोई ईजी टास्क नहीं है, ये भी सब नहीं कर सकते. इट टेक्स क्वाइट करेज, क्वाइट क्रेडिबिलिटी, मतलब बनाने में, कैमरा सेटअप करने में एंड ये सब करने में भी टाइम लगता है एंड पढ़ने का भी हम देख रहे हैं अपना. सो वाई यू गाइस आर मेकिंग फन ऑफ इट, मतलब ये सही है ना, अगर यूट्यूब हमारा सही से काम करने लग जाता है तो मतलब हमें बहुत अच्छी अर्निंग भी यूट्यूब से होने लगती है. तो अगर हम अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं वो भी कुछ ऐसा करने से जिसको करने में हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है, हमें वैसे भी पढ़ना है तो हम उसको वीडियो बना ले रहे हैं और उसको एडिट करके डाल दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू गाइस आर मेकिंग फन एंड ऑल. मैंने देखा है कि ऐसा सारे ब्लॉगर्स के साथ बहुत दिक्कत होती है, बट लिटरली इतना कुछ सीन नहीं है, बट देर आर सम ज्ञानी पीपल लाइक वो आते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो आप यूट्यूब छोड़ दो और हार्ड वर्क करके मेहनत करो. ब्रो 2 साल पहले भी हार्ड वर्क किया था बट नहीं हुआ था सिलेक्शन. ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब बहुत कुछ ले लेता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं लेता है जिसको इंटरेस्ट होता है. मैं लिटरली बता रही हूँ मेरे को बहुत मज़ा आती है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में और उसको डालने में और उसका रिस्पॉन्स भी देखने में. लिटरली मतलब ये जो UPSC एक आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बोरिंग हो जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है अगर आप ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं उसका. और ऐसा नहीं है कि ब्लॉग कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये वो सिलेक्शन जब होना होगा आपका तभी होगा, बस आपको मेहनत करना है. आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि हर दिन आप प्रोग्रेस कर सको एंड मेरा भी यही फोकस रहता है कि मैं हर दिन प्रोग्रेस कर सकूं, बाकी जो होगा वो होगा बिकॉज आई नो कि अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, सब कुछ डिस्टाइंड होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है, बस हम एक मोहरे हैं जो कि काम कर रहे हैं और जिस दिन वो आएगा उस दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा. सो स्टिल कुछ लोग आते हैं और उनको टाइपिंग करना भी सही से नहीं आता बट स्टिल वो कमेंट करते हैं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो. एंड वन मोर थिंग दैट देर आर सो मेनी पीपल हुआ लाइक आप अपने पैसे अपने पापा के पैसे को बर्बाद कर रहे हो ये वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो आई एम अर्निंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स, मेरे को मेरे पापा की पैसे की ज़रूरत नहीं होती है. आई एम अर्निंग, मैं कोचिंग भी करती थी, मैं स्कूल में भी 1 महीने 1.5 महीने पढ़ाया था बट फिर वहाँ से वो सब बंद करके उसके पहले मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था. मैं लगभग 15 बच्चों को ट्यूशन देती थी घर पे ही अपने रह के और अपना पैसा खुद निकालती थी, अपनी बुक का पैसा खुद निकालती थी. सो प्लीज़ आप अपने पापा के पैसे का फ़ोन खरीदो, आप अपने पापा के पैसे से रिचार्ज करा के ऐसा कमेंट मत करो लिटरली. एंड अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो निगेटिविटी फैलाने का हक आपको किसी ने नहीं दिया फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड या
तो और मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक साल और अटेम्प्ट दूंगी अपना, तो मैं एक ही साल अटेम्प्ट और दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको क्विट कर दूंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप आप लोगों के दिमाग में सब कुछ समझ आ गया होगा। आई होप कि ये जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं इनको अपने कमेंट्स का रिस्पांस मिल गया होगा कि आप यूट्यूब छोड़ दो एंड ये वो। यूट्यूब हैज़ अ ह्यूज 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 लाइक रिसोर्सेज जहाँ से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चल सकता है तो आप भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और अपने माँ बाप के पैसे पे ना डिपेंड होकर अपने पैसे पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर एक कम्युनिटी बना सकते हो लोगों का। सो और जिन जिन लोगों ने मेरे को इतना सारा सपोर्ट दिया, इतना सारा प्यार दिया, उनके लिए थैंक यू सो मच। यू गाइस आर प्रिसिस फॉर मी, थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ नॉट लाइक कि मेरा प्लान्स नहीं हुआ तो मैं रो रही हूँ या फिर मैं बहुत डिसहार्टेंड हुई हूँ अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आई एम फुल ऑफ पॉजिटिविटी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले महीनों के लिए, आगे आने वाले प्रिपरेशन के जर्नी के लिए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मे गॉड ग्रेस, अगर भगवान का रहेगा तो लेट्स सी, विल सी कि ये चैनल एस्पिरेंट टू ऑफिसर टर्न हो पाता है कि नहीं। सो इट इज़ अ जर्नी, लेट्स इन्जॉय इट, लेट्स बी हैप्पी। आई थिंक मैं अपने ब्लॉग में मैं इतना सारा नेचर दिखाती हूँ, इतना सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाती हूँ सो दैट यू गाइस फील लिटिल बिट हैप्पी, पॉजिटिव, काम। बट कहाँ से करते हैं तुम लोग ये सब? ओके, सो अभी इसका लेंथ ज़्यादा हो रहा है, फिर आप लोग इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट ब्लॉग का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को आप देखते हो या फिर नहीं देखते हो तो गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोज, और बहुत अच्छे वीडियो बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छे स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ, सो उसको चेकआउट कर सकते हो एंड चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो या दैट्स इट, बाय बाय एंड वेट फॉर द न्यू एडवेंचर, लाइफ इज प्रिटी।